अस्सलामुअलैकुम क्लास सिक्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं ज्योग्राफी का, विच इज़ चैप्टर नंबर सिक्स, लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। बड़ी बार हम इनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद एवरी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। देयर आर लॉफ्टी स्नो पीक माउंटेन्स, एवरग्रीन प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्ट विच हैव अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। लेट अस हैव अ लुक ऑन द लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। अब हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पे कुदरत ने इसको हर तरह की ज़मीन दी, या लैंडफॉर्म जितनी भी टाइप्स की हैं ना, वो सारी टाइप्स यहाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इसमें ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, फिर सीधे प्लेन मैदान जहाँ पे घास उगती है, फिर सहरा, साहिल, हर चीज़ मौजूद है जो कि सियाहों के लिए बहुत ज़्यादा, यानी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कोर्स करती है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन रेंजेस, यानी पहाड़ी इलाके। अरेबियन सी सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट द हाइट इंक्रीजेस टूवर्ड्स नॉर्थ अंटिल वी रीच द हाई माउंटेन रेंजेस। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो समंदर है जो कि कराची को लगता है, जिसका नाम अरेबियन सी है, वो है पाकिस्तान के जनूब में, साउथ में। वहाँ से अब जैसे जैसे आप आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, शुमाल की तरफ बढ़ेंगे, तो हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, और तब तक इंक्रीज बढ़ती जाएगी हाइट जब तक आप सबसे बड़े पहाड़ तक नहीं पहुंच जाते। अब माउंटेन रेंजेस जो है पाकिस्तान की, वो दो तरह की, एक है नॉर्दर्न माउंटेन्स और एक है नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, सबसे पहले जो आएंगी वो आएंगी शुमाली पहाड़, और फिर आएंगे शुमाल मगरबी पहाड़ और सिर्फ मगरबी पहाड़। फिर इसके अलावा आगे है, दीज टू माउंटेन रेंजेस मीट टुगेदर एट पामीर नोट इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो दोनों के दोनों रेंजेस हैं ये एक जगह पे मिलती हैं, और इस जगह को का नाम है पामीर नोट। अब हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी शुमाली पहाड़, इनके भी दो तरह के हमने डिवीजन्स कर दिए हैं, हिमालयाज और कराक्रम। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स विच आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब जो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसमें पहला हिस्सा है हिमालया। हिमालया के भी आगे से उन्होंने तीन हिस्से कर दिए हैं। पहला है, अब इसके अंदर जो पहली पहाड़ा है वो है शिवालिक हिल्स। द शिवालिक हिल्स आर सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, मरी, हज़ारा, एबटाबाद। एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज़ अबाउट 800 मीटर्स। अब हिमालय के अंदर जो सबसे पहले पहाड़ियाँ आती हैं वो है शिवालिक की। शिवालिक जो इलाका है वो मौजूद है इस्लामाबाद के पास, इसके अंदर मरी का इलाका, हज़ारा, एबटाबाद का इलाका भी आता है। और यहाँ पे एवरेज हाइट यानी सबसे बड़ा पहाड़, सबसे छोटा पहाड़, जितने भी सारे पहाड़ हैं उनकी हाइट एवरेज 8000 मीटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लेसर हिमालयाज। ठीक है, इन दी नॉर्थ ऑफ द शिवालिक हिल्स आर दी माउंटेन ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड पीर पंजाल। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन इज़ अबाउट 4000 मीटर्स। दीज आर कॉल्ड लेसर हिमालयाज। अब पहले शिवालिक लेक आएगी जिसकी सबसे बड़ी थी, ठीक है, फिर उसके बाद आ रहे हैं लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज का जो है ये मौजूद होते हैं शिवालिक हिल्स के नॉर्थ वाली साइड पे, जो कि आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल के इलाके हैं, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 4000 मीटर्स। और फिर उसके बाद है ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयाज। दी स्नो पीक माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन सवात, कोहिस्तान एंड गिलगित। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज़ अबाउट 6000 मीटर्स। द हाइस्ट पीक ऑफ दी रेंज इज़ नांगा पर्बत, विच इज़ 8126 मीटर्स हाई। अब वो ग्रेटर हिमालयाज कहाँ पे हैं? आपने शिवालिक से नॉर्थ में जाना है तो लेसर हिमालय आएंगे, फिर लेसर हिमालय से नॉर्थ में जाना है तो ग्रेटर हिमालयाज आएंगे। अब ग्रेटर हिमालयाज जो है ये सारे बर्फीले पहाड़ हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर मौजूद हैं सवात, गिलगित और कोहिस्तान के इलाकों में, और इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा पहाड़ है वो है नांगा पर्वत, और उसकी हाइट है 8126 मीटर्स। उसके बाद जो हम माउंटेन रेंजेस, नॉर्दर्न माउंटेन्स का दूसरा पार्ट है कराक्रम। कराक्रम कौन सा है? इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज देर इज़ अनदर रेंज ऑफ स्नो पीक माउंटेन सिचुएटेड इन गिलगित अप टू सकरदू। दिस इज़ कॉल्ड कराक्रम रेंज। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ केटू, विच इज़ 8611 मीटर्स हाइट। केटू इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोडविन ऑस्टिन। इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस रेंज, इन विच सियाचन, हिस्पार, बलात्रो, बियाफो एंड बतूरा आर इम्पोर्टेंट। अब वो कह रहे हैं
कि आपने ग्रेटर माउंटेन तक पहुंच गए थे, ग्रेटर से फिर आगे नॉर्थ की तरफ चलना है, तो वहाँ पे जो पहाड़ों का सिलसिला शुरू होगा उसे हम कहते हैं कराकरम। और ये जो जिन इलाकों में आता है उसको हम कहते हैं गिलगित। गिलगित से लेके सकर्दू तक सारे के सारे पहाड़ी सिलसिले कराकरम के अंदर आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो पहाड़ी चोटी है वो है केटू, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। केटू का एक और नाम भी है जो है गोडविन ऑस्टिन। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है और उसके बाद केटू है, ठीक है। और यहाँ पे बड़े बड़े से बर्फ़ के तोदे भी पाए जाते हैं जो कि सियाचिन, हिस्पार, जितने भी नाम लिखे हैं इनके इलाकों में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का काम।